हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं HTML चैप्टर को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म टैग। आज के इस क्लास में हम एक अच्छा सा फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन और अच्छे से करूँ, इसलिए हो सकता है कि इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन में आपको डेटा ट्रांसफर करने की ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, यूजर से हम डेटा लेंगे और डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई जॉब चाहिए तो जॉब के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यूजर्स कैंडिडेट के जितने भी डिटेल्स है उसको हम वेबसाइट पर रखेंगे और जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करेंगे उस फॉर्म का डेटा जितना भी होगा वो सब कुछ सर्वर तक पहुंच जाता है। ओके, तो ऐसे ही कुछ हम फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज हम सीखेंगे फॉर्म टैग को, और फॉर्म टैग का डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट अ फॉर्म स्ट्रक्चर एंड टेक इनपुट फ्रॉम यूजर विद द हेल्प ऑफ इनपुट टैग। यहाँ बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा है कि जो फॉर्म टैग है वो फॉर्म के स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यूजर से इनपुट लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या यूजर इनपुट कर रहा है, किस टाइप का डेटा इनपुट कर रहा है, कैसे इनपुट कर रहा है, उसको किस तरह से डेटा को पहुंचाना है, ये सारा का सारा इसकी फॉर्म टैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, और ये सब कैसे होता है, तो इनपुट टैग के मदद से। तो क्या फॉर्म टैग नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता है, फॉर्म टैग भी होता है और फॉर्म टैग के अंदर हम एक इनपुट टैग भी यूज करते हैं। ओके, देखते हैं इनपुट टैग क्या होता है। तो यहाँ पे इनपुट टैग के बारे में लिख रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि यूजर से बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डेटा को ये इनपुट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम कोई डेट ऑफ बर्थ कर रहे हैं तो डेट टाइप का कुछ हमारा इनपुट होना चाहिए, मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो नंबर टाइप का इनपुट होना चाहिए, अब मोबाइल नंबर में कोई टेक्स्ट लिख दे तो वो रॉन्ग होना चाहिए, ईमेल आईडी टाइप का पासवर्ड, अगर पासवर्ड हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं तो पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे कंडीशन है कि हमारा जो डेटा इनपुट हो वो प्रॉपर तरीके से इनपुट हो। तो अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, कहीं नंबर होता है, कहीं कैरेक्टर होता है, कहीं नंबर कैरेक्टर मिक्स होता है, कहीं स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन सब की कैटेगरी होती है। तो हम सबको बारी बारी से समझेंगे। तो ये हर टाइप के डेटा को इनपुट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और ये डेटा टाइप डिफाइन कैसे होता है, ये कैसे डिसाइड करता है कि किस फील्ड में हमने कौन सा डेटा टाइप लेना है, उसके लिए हम एक टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ओके, टाइप एट्रीब्यूट में हम जिस टाइप का डेटा इनपुट कराना चाहते हैं वो हमें बताना होता है वैल्यू के तौर पे। जैसे कि अगर हमने नंबर इनपुट करना है तो हमने टाइप में नंबर पास करना होगा, अगर हमने ईमेल आईडी इनपुट कराना है तो टाइप में हमें ईमेल आईडी पास करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं और कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग, इनपुट टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। तो इनपुट टैग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप है, यानी कि किस टाइप का हमने डेटा इनपुट कराना है, वैल्यू है कि वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी हम फील्ड, जो भी हम इनपुट लेना चाहते हैं उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम सेट करना चाहते हैं तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट के मदद से हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। साइज, जहां हम इनपुट करेंगे उस बॉक्स की साइज डिफाइन करना है तो हम साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। प्लेसहोल्डर का काम होता है कि जो इनपुट बॉक्स होता है उसके अंदर कुछ मैसेज के तौर पे हमने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हमें प्लेसहोल्डर का यूज करना पड़ता है। इन सब का मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो सके। ओके, लास्ट में एक और नेम है, तो नेम का मतलब होता है ग्रुप डिफाइन करने के लिए। अगर सेम नेम के मल्टीपल्स फील्ड हम बनाते हैं तो उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है। ओके, और भी है इनके एट्रीब्यूट्स, जैसे कि है रीड ओनली है, डिसेबल्ड है, रिक्वायर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिससे कि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा स्मार्ट बन जाता है। अब किस तरह से स्मार्ट बनता है जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि टाइप है तो टाइप में डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। ओके, लेकिन कितने डेटा टाइप है, कौन कौन से हम डेटा टाइप इनपुट करा सकते हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, कंफ्यूजन वाला है कि हम टाइप में क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ वैल्यू ऑफ टाइप, यानी कि टाइप जो है टाइप में हम क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं. अगर हमने टेक्स्ट इनपुट लेना है तो हम टेक्स्ट पास करेंगे. नंबर इनपुट केवल और केवल नंबर इनपुट लेना है तो हम वहाँ पे नंबर पास करेंगे. अब नंबर में हमने टेक्स्ट की तो जरूरत नहीं है, जैसे मोबाइल नंबर हमने इनपुट करना है तो मोबाइल नंबर में ABCD की तो कोई जरूरत है नहीं. अगर कोई डाल देता है गलती से बाय मिस्टेक तो वहाँ पे हमारा एरर शो करना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे आपने गलती किया है. तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबर रखेंगे. ओके, ईमेल आईडी अगर इनपुट लेना है तो ईमेल आईडी ईमेल लिखेंगे. ओके, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, रेडियो, रेडियो एक बटन होता है जहाँ पे जैसे ऑप्शन ग्रुप में हो लेकिन आपको एक ही चॉइस करना हो, जैसे कि जेंडर में होता है मेल और फीमेल. अब उसमें से कोई दोनों तो नहीं ना चूज करेगा, कोई एक ही एक बार में चूज करेगा, या तो मेल चूज करेगा या तो फीमेल चूज करेगा, है ना. तो उस टाइम पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं. रेडियो बटन का एक्चुअली यूज ये होता है कि ग्रुप ऑफ चॉइस में से आप सिंगल चॉइस कर सकते हो. जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, चार ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से आपको एक ही चूज करना है, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं. फॉर्म टैग के मदद से आप एक क्वेश्चन सीरीज भी तैयार कर सकते हैं. खैर ये सब आपका प्रोजेक्ट के तौर पे हो सकता है. खैर आगे देखते हैं और हम क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं. तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकबॉक्स पास कर सकते हैं, फाइल पास कर सकते हैं, सबमिट बटन बना सकते हैं, रीसेट बटन बना सकते हैं, और एक बटन और है जिसमें खाली बटन होता है जिसमें हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं. ओके, तो इतने सारे हमारे पास वैल्यू है जो कि हम टाइप एट्रीब्यूट में पास कर सकते हैं और इतने टाइप्स के हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं. और इनको बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और वहाँ पे हम एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म डिजाइन करते हैं और उसके बाद आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं. तो चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे. यहाँ पे मेरा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है जो कि राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में आपको पता है कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आने वाला है जो कि ब्राउजर है. form.html फाइल को हमने ओपन कर रखा है. जैसे जैसे हम इसमें कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें आउटपुट आते जाएगा. ओके, तो चलिए हम यहाँ पे आपको सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं और यहाँ पे आ चुका है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म टैग. हमने टाइटल भी सेट कर दिया. अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर और बॉडी टैग में हमें फॉर्म डिजाइन करना है तो मैं सबसे पहले फॉर्म टैग यूज करूंगा. ओके, अब फॉर्म टैग में क्या क्या हमने इनपुट लेना है, तो चूंकि अभी मैंने बताया कि लॉगिन फॉर्म हम बनाने वाले हैं तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे टाइटल में भी लॉगिन सेट कर देते हैं, लॉगिन फॉर्म. ओके, हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं, हमने टाइटल सेट कर दिया. अब हम यहाँ पे लॉगिन बनाना चाहते हैं तो लॉगिन बनाने के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ होते हैं, एक तो होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है पासवर्ड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र नेम. ओके, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम इनपुट करने वाला हूँ और सेकेंड लाइन में मैं लिखूंगा पासवर्ड. ओके, यहाँ पे मैं पासवर्ड भी इनपुट करने वाला हूँ. लेकिन इनपुट करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट टैग यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो मैं यहाँ पे टैग एक यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट टैग. ओके, और इनपुट टैग में आप देख सकते हैं कि एक टाइप आ चुका है और यहाँ पे नेम आ चुका है. तो खैर अभी हमें नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो. लेकिन हाँ, टाइप की ज़रूरत पड़ेगा. टाइप हमें ये बताता है कि हम किस टाइप के डेटा को इनपुट करने वाले हैं. ओके, तो चूंकि यूज़र नेम है तो यूज़र नेम में हमारा नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है. तो यहाँ पे मैं टाइप रखूँगा टेक्स्ट. ओके, तो हमने टेक्स्ट टाइप का डेटा इनपुट करना है. इसकी कुछ साइज हम डिफाइन कर देते हैं. मैंने यहाँ पे साइज सेट कर देता हूँ. साइज में मैं लिख देता हूँ 30. ठीक है, इनपुट टैग के अंदर हमने टाइप भी सेट कर दिया, साइज भी सेट कर दिया. ओके, और हाँ, इनपुट टैग जो है वो एक एम्प्टी टैग होता है जिसका अलग से कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो हम साथ के साथ यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं. मैं थोड़ा सा इसको जूम कम करूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा. ये मल्टीपल्स लाइन में दिख रहा था क्योंकि साइज हमने इंक्रीज कर रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है. बाकी ये सभी एक लाइन में ही लिखे जाएंगे, एंटर करके आपको लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ तो पासवर्ड के लिए फिर से मैं यहाँ से इनपुट टैग यूज करूंगा और यहाँ पे हमें पासवर्ड लेना है तो मैं यहाँ पे पास करूंगा पासवर्ड. ओके, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया और नेम की अभी कोई ज़रूरत नहीं है. नेम बेसिकली ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है तो अभी हमें फिलहाल ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है. यूज़र नेम हमारा डिफरेंट है और पासवर्ड हमारा डिफरेंट है. और हाँ, साइज इसका भी सेट कर देते हैं ताकि एक साइज में हमारा दिखाई दे. साइज हम दे देते हैं 30. ओके, और इसको हम कर देते हैं क्लोज.
और इसका क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता है, इनपुट टैग हमारा एम्प्टी टैग कहलाता है, इसलिए इसका क्लोजिंग इसी के अंदर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे दो चीज बना ली है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी मैं फिलहाल इतने का आउटपुट करके आपको दिखाता हूँ, अभी हमें बटन भी बनाने होंगे, सबमिट बटन। फिलहाल आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ ब्राउजर को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड साथ के साथ आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पासवर्ड हमारा नीचे आए, तो हम एक टैग पढ़े हुए हैं लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए हम कौन सा टैग पढ़े हैं, बी आर टैग, चूंकि ये भी एक एम्प्टी टैग है, तो इसलिए हम उसी के साथ हम स्लैश यूज करके इसको कर दिए क्लोज, और मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद अभी मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूजर नेम के जस्ट नीचे आ चुका है पासवर्ड। थोड़ा सा और हमें गैपिंग देना है, तो मैं एक बार और बीआर टैग को कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद कर देता हूँ पेस्ट, और फिर से सेव करके मैं किने किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो चुका है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। अब यहाँ पे मुझे बटन बनाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इनपुट टैग सिंपल यूज किया, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया सबमिट बटन। अब हमें टाइप बनाना है, तो टाइप में हमें क्या बनाना है, तो सबमिट बटन हमें बनाना है, और सबमिट बटन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि बटन पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू का यूज़ किया। वैल्यू जैसे कि मैंने बताया कि कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अपना कुछ वैल्यू सेट करना है, तो उसके लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ओके, तो वैल्यू में हम पास करते हैं लॉग इन, और मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद इसको पहले क्लोज कर दूँ मैं टैग को, क्लोजिंग टैग मैंने दे दिया, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा छोटा सा लॉगिन बटन भी बन चुका है। ओके, थोड़ा सा इसमें भी गैपिंग करने के लिए मैं बी आर टैग को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, और ये देखिए हमारा लॉगिन बटन भी बन के रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी हम लॉगिन कर रहे हैं तो इसी पेज पे बार बार आ रहा है, रिफ्रेश कर रहा है। ओके, और यहाँ पे इनपुट करके भी मैं आपको दिखाऊं कि यूज़र नेम के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड। अब पासवर्ड में जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ, तो क्या आपको पासवर्ड दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ डॉट डॉट करके पासवर्ड आ रहा है। जैसे आप इस आंख बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड दिखाई दे रहा है, मैंने पासवर्ड ही लिखा था। और यहाँ पे अभी देखिए, अब हम जिस पे जाएंगे फिर से दोबारा, तो ये आंख वाला बटन भी हाइड हो चुका है, सो हाइड वाला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि पासवर्ड एक टाइम विजिबल है जब आप लिख रहे हैं उसी टाइम, फिर दोबारा ये विजिबल नहीं रहता है। ओके, और टेक्स्ट, और आखिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ये कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आएँ अपने कोड में। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इनपुट टैग, जब यूज़र नेम में इनपुट टैग हमने लिखा था, टाइप में हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट, जबकि यहाँ पे हमने टाइप में क्या लिखा है, पासवर्ड। और यही टाइप जो होता है ना, वही डिसाइड करता है कि यहाँ पे हमारा किस टाइप से कैसे शो हो, किस टाइप का हमने डेटा ले रहे हैं, और उसी टाइम ये सब कुछ डिसाइड होता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं एक और बटन बनाता हूँ, उस बटन का नाम रहेगा रिसेट। अगर हमने फॉर्म को रिसेट करना है, तो उसके लिए हम एक और बटन बनाते हैं। फिलहाल मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ सबमिट के बटन के जगह पे मैं लिख देता हूँ रिसेट। ओके, मैंने सेव किया, और यहाँ पे बटन की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वही वहाँ पे दिखाई देगा। रिसेट मैंने लिख दिया और मैंने सेव किया, देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिसेट बटन भी आ चुका है, जैसे हमने कुछ डेटा लिख दिया और यहाँ से रिसेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि ये डेटा जो था ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये जो बॉक्स है ये खाली है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ आए, कुछ मैसेज हमें दे कि यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, इसमें आपको 8 कैरेक्टर इनपुट करना है, उस टाइप से हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम वाले फील्ड में आते हैं, और इसके इनपुट टैग के अंदर हम लिखते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया इनपुट ब्लॉक लेटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया, और एक बार मैं पासवर्ड में भी लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया @8, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया।
इसमें मैंने मैसेज दिया एटलीस्ट 8 लेटर और इसमें मैंने दे दिया इनपुट ब्लॉक लेटर। और मैं इस फाइल को करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट ब्लॉक लेटर आ रहा है, और जैसे मैं इसमें क्लिक करके कोई भी चीज़ इनपुट करूँगा वो जो मेरा मैसेज था वो हट चुका है। ओके, और यहाँ भी मैं पासवर्ड में आकर अगर कुछ लिखता हूँ तो वो जो मैसेज था वो रिमूव हो चुका है। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्म डिजाइन किया है जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट कराया था। तो हमने यहाँ पे बेसिक एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लिया है और इसका हमने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब इनपुट टाइप में बहुत सारे टाइप है जिसको हमें बारी बारी से करके एक एक ट्राई करना चाहिए, तो वो हम अगले क्लास में करेंगे। हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करेंगे जिसमें हम रेडियो बटन, चेकबॉक्स बटन, डेट ऑफ बर्थ करने के लिए और भी हम बहुत सारे टाइप को यूज करके एक अच्छा सा फॉर्म डिजाइन करेंगे। आज हमने छोटा सा डिजाइन किया क्योंकि हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखना था। कल के क्लास में हम केवल और केवल प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हम एक अच्छा सा फॉर्म डिजाइन करेंगे और हर एक ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आप इस टाइप के और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस टाइप के जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग वेब डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर अपना कैरियर वेब डिजाइनिंग में बनाना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।